हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए कुछ नया ट्राई करते हैं। आज मैं घी बनाने बहुत ही इजी तरीके से घी बनाने का तरीका आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। मैंने एक कटोरी दूध का जो ऊपर का मलाई जो होता है उसे मैंने निकाल लिया। इसमें हल्का सा दही डाल दें जिससे खट्टापन आ जाए। बिना मथे हुए इसको मैं घी बनाऊँगी। वो तरीका आप लोगों से मैं शेयर करती हूँ। गर्म कर लो कढ़ाई को। बिल्कुल इजी स्टेप से मैं आप लोगों को बताऊंगी कितनी जल्दी घी बन करके तैयार हो जाती है। शुद्ध और बाहरी घी में केमिकल होते हैं, इसलिए आप लोग घर पे बहुत ही आसान तरीके से, ना आपको मथने की झंझट है इसे, ना छाछ बनाने की ज़रूरत है। आप ऐसे ही इसे बहुत ही आसान तरीके से आप निकाल करके, मैंने एक सप्ताह की मलाई निकाली थी, एक के जी दूध की, रोज़ रोज़ थोड़ा थोड़ा करके मैंने निकाल करके अपना स्टोर किए थे। इसलिए मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। आप लोग भी अपने घर पे बनाएं, तेज फ्लेम करके इसे चलाते रहें, इससे नीचे पकड़े नहीं। आप देख सकते हैं धीरे धीरे गलने लगेंगे, और इसे इस तरह से आप चलाते रहेंगे बराबर से, तो नीचे से पकड़ेंगे नहीं और आसानी से ही ऐसे रहेंगे। इसी तरह से आगे इसे चलाते रहें, फायदा से कहीं से चलाते रहें, नीचे नीचे से कर लेंगे। आप देख सकते हैं घी निकलना शुरू हो गया हुआ है। इसी तरह से आप देखिए, नीचे से पकड़े भी नहीं है, इसी तरह से बराबर से आप चलाएंगे तो नहीं पकड़ेंगे नीचे से, और बहुत ही टेस्टी यह बनता है। अभी मैं आप लोग को बताती हूँ कितना घी निकलेगा एक सप्ताह के मलाई स्टोर करने से। आप देख सकते हैं इसका कलर जैसे चेंज हो गया, घी के रूप में आने लगा। थोड़ा से आप ही देखिए, मैंने एक मिनट के लिए स्किप कर दिया था चलाना, इसलिए हल्का सा घी पकड़ लिया है। इस तरह से देखिए जला, मैं इसको हल्का सा कर देंगे। घी बनाने का तरीका तो आप लोगों ने बहुत सारी वीडियो देखी होगी घी बनाने के तरीके का, लेकिन इसकी जो है खूबी होती है इसका कैसे इस्तेमाल किया जाता है, आप किस किस रूप में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उसे भी मैं आपको बताऊंगी। छन्नी की सहायता से आप इसे छान लें, और आप देख सकते हैं कितना अच्छा ये कुरकुरी हुआ है। इसे आप नमक डाल करके प्लेट में ट्रांसफ़र कर लीजिए। आप चावल के साथ है, रोटी के साथ है, या ऐसे भी आप इसे खा सकते हैं। बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही खाने में टेस्टी होता है। अगर आप भुजा बना रहे हैं, भेल बना रहे हैं, उसमें भी आप इसको यूज़ करेंगे तो बहुत ही टेस्टी लगता है। प्लीज़ आप लोग भी इस तरह से बनाएं। मैं कभी खाने के लिए घी नहीं खरीदती हूँ, मैं इसी घी का इस्तेमाल करती हूँ जो शुद्ध है और घर का बना हुआ है। आप लोग भी इसी तरह ट्राई करें, और इसकी कुरकुरी को भी आप यूज करके एक बार मेरे कहने पर नमक, काला नमक, काली मिर्च का पाउडर, जीरा पाउडर, सब डाल करके मिला करके अगर आप लोग इसे खाएंगे रोटी के साथ, पूरी के साथ, चावल के साथ, तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा खाने में। बहुत ही टेस्टी और लाजवाब होता है। प्लीज़ आप लोग भी बनाइए इसे। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।